कानपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आईपीएस संजीव त्यागी की टीम पूरे मामले की जांच कर सबूत जुटाएगी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास की टीम वीडियो फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करेगी। तीसरी टीम पिछले एक महीने में वायरल हुई जफर हयात हाशमी और उसकी टीम की पोस्ट खंगालेगी। सभी सोशल साइट्स पर हाशमी की पोस्ट की जांच की जाएगी। कानपुर में हुई हिंसा के बाद लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। अब तक इस केस में 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मास्टरमाइंड कहे जा रहे जफर हयात हाशमी को पहले ही पुलिस पकड़ चुकी है। अब जानकारी मिली है कि इस हिंसा के पीछे पीएफआई के लिंक मिल रहे हैं। इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने कहा कि कानपुर हिंसा में पीएफआई से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। आरोपी हयात जफर हाशमी के ठिकानों से कई अहम दस्तावेज मिले हैं। अभी 3 एफआईआर हुई और 29 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मतलब 3 और एफआईआर आज और हुई? नहीं, टोटल 3। अच्छा, टोटल 3 है और 29 लोग। कुछ और लोग भी इसमें सामने आए हैं पीएफआई को लेकर के, कुछ अपडेट? देखिए, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो जो सामने आएगा, जिस जिसका रोल आएगा आने वाले दिनों में, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, पीसीआर को लेकर के क्या कल अप्लाई करेंगे, क्या कैसे होगा? अप्लाई करेंगे, कल करेंगे और उसके बाद फिर जो उनके अन्य नेक्सस है उस पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 1494 नए केस मिले, जबकि कोरोना से एक शख्स की मौत हुई है। अकेले राजधानी मुंबई से 961 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुंबई में पिछले 6 दिनों के अंदर कोरोना केस में करीब 90% का इजाफा हुआ है। 31 मई को मुंबई में 506 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि ऑडिटोरियम और स्कूल कॉलेजों में लोग मास्क का उपयोग करें। हालांकि राजेश टोपे ने ये भी साफ किया कि सरकार अभी मास्क के उपयोग को लेकर सख्ती नहीं करेगी।